आबादी की टीम के साथ हूँ मैं शहर ग्रेटर नोएडा में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस शहर का विकास अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और धीरे धीरे ये शहर आधुनिकता के रंग में रंगता जा रहा है और आने वाले समय में ये शहर अपने नए विकास की ओर अग्रसर होगा। जब यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस शहर की अलग से पहचान बनेगी। लेकिन इस शहर में जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या है आधी आबादी की इच्छाएं, क्या वो चाहती हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस शहर में और ये जानेंगे कि क्या कुछ वो बदलना चाहती हैं, कैसी वो अपनी तस्वीर देखती हैं आने वाले समय में। तो आइए आपको ले चलते हैं शहर ग्रेटर नोएडा में। आप सब देख रहे हैं कि आने वाले समय 2022 के लिए बहुत अहमियत रख रहा है क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। जी हाँ, चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है और चुनाव में सबसे ज़्यादा जो सबसे भागीदारी है वो महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि हर सारी पार्टियाँ अलग अलग तरीके से महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि वो कौन से वादे हैं जो वो महिलाओं को लेकर कर रहे हैं, यानी आधी आबादी के लिए वो कौन सी सौगात है जो अलग अलग पार्टियाँ लेकर आ रही हैं। सभी पार्टियां नए नए वादे कर रही हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। ख़ास तौर से अगर महिलाओं की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। कहीं स्कूटी दी जा रही है तो कहीं पर उनको कहा जा रहा है कि हम आपको मुफ्त उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर देंगे। ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं, लेकिन जो यहाँ की महिलाएं हैं वो क्या चाहती हैं, ये जो हमारी आधी आबादी है इसकी क्या समस्याएं हैं, और इसके अलावा जो ये वादे किए जा रहे हैं क्या इससे इनके इरादे बदलेंगे, ये किसको वोट देंगी या किसकी सरकार बनाएंगी। आइए हम जानते हैं आधी आबादी में इन महिलाओं से। आप अपना नाम बताइए पहले। हाँ, मेरा सुनीता देवी। सुनीता जी, आप कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? मेरे को हो गए, हम 2011 से रह रहे हैं। 2011 से? हाँ जी। कितना बदलाव आप देख रही हैं यहाँ पे? बदलाव तो कोई खास नहीं है, बस जरा ये लाइट लुइट लगी, ये भी हमारी उससे लगी जी। हाँ, नहीं तो यहाँ देखो गली हमको बरसात में इतनी दिक्कत हो जाती है कि हम आ नहीं जा सकते। रिश्तेदारी बुलाने में भी शर्म आती है कि कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या कहेगा, कौन सी जगह पर रह रही हो। इस चक्कर में हम मेहमान को भी नहीं बुला पाते। हमारे गली बने, सड़क बने, हमारी सिविल लाइन पड़े, तो हम यही चाहते हैं, हम उसी को वोट देंगे जो हमारे गली मोहल्ला सही बनाएगा। बिल्कुल, विकास बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत ज़रूरी है। लाइट कितनी देर तक आती है आप? लाइट दिन में नहीं आती है। दिन में नहीं आती ना, रात में आती है। रात में आती है बस। अच्छा बताइए, ये कहा जा रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा और बाकी चीज़ें सुविधाएं दी जाएंगी महिलाओं को, जैसे रोजगार में। आपको क्या लगता है, क्या आप लोग को मुफ्त सिलेंडर मिला है? ना, हमें नहीं मिला। 1000 रुपये का हो रहा है सिलेंडर, उसमें कौन सा बदलाव? पहले उसमें आ रहा सब्सिडी में पैसे, वो भी नहीं आ रहे। 1000 रुपये का सिलेंडर गरीब आदमी जरा क्या करेंगे? पानी नहीं, कुछ नहीं, रास्ते खराब हैं, इतनी परेशानियाँ, मकान गिरने के लिए तैयार है, पानी भर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा? हम ना दें किसी को भी जब तक हमारी को सुविधा ना करेगा। जो कोई हमें सुविधा देगा उसे देंगे, ठीक है। मजदूर हमारे आदमी है, अभी भी साइकिल पे से आ रहे, गिर गए गारे में, तो हमें क्या है? रात भी टाँके लगे हैं उनके सिर में। जैसे हम आए थे तो रास्ते भी देखे थे तो बहुत ख़राब स्थिति है। जो इनकी समस्या भी है कि आने जाने के टाइम, जैसे कोई बुज़ुर्ग है रात में जाता है तो वो गिर सकता है, और ऐसी बहुत सारे इनको रोज़ ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आप दिक्कत यही है यहाँ का रोड का और पानी गिरने का सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। जी जी। चलने का मतलब कि या कोई आए किसी गेस्ट को भी बुलाते तो शर्म से आता है, बारिश में तो और भी बुरा हाल हो जाता है, चलने का भी बिल्कुल वो नहीं होता है। आप कहाँ की रहने वाली? आप पहले यहीं पे घर, हम यहाँ 9 साल से रह रहे हैं। 9 साल से जी। हाँ। आपको और क्या लगता है, कितना बदलाव? आप तो यंग हो। तो अभी कुछ नहीं लगा मेरे को, जो है जैसे था वैसे ही आज भी है,
लेकिन हमारा ज़्यादा मांग यही है कि मतलब रोड बन जाए इधर का और नाले का मतलब पानी का कुछ सुविधा हो जाए तो हमारे लिए ज़्यादा मतलब बेटर होगा। बाकी जो है सरकार तो वैसे बड़े बड़े दावे करती हैं जब वो होने का होता है तो ये सब होता है, फिर बाद में वही वाली बात हो जाती है, सारे भूल जाते हैं। इस वजह से उसके बाद लगता है अगर आपके क्षेत्र की कोई महिला खड़ी हो तो क्या आप उसको वोट देंगे या फिर एक पुरुष को? देखिए सिंपल बात है, जो हमारे लिए करेगा हम उनको वोट देंगे। हमारा तो यही कहना है कि जो हमारा सुविधा करेगा हम उनको वोट देंगे, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। बिल्कुल, ये महिलाएं ऐसी हैं जो ज़्यादातर घर में रहती हैं, इनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं। इसके अलावा कुछ और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं महंगाई को लेके। आपको क्या कहना है? महंगाई तो सब कुछ ही है, नहीं हमारा राशन कार्ड है, राशन कार्ड के लिए पैसे भी दिया तो उसको बोलते हैं, कहते तुम्हारे 500 रुपये भारी है कि हमारे लिए 1 रुपये भी भारी है। उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो आप लोग को मुफ्त सिलेंडर मिला है? नहीं हमें कुछ नहीं मिला है, नहीं नहीं, जिन्होंने करा भी है तो उनको भी नहीं मिला है। लेटरिंग के किसी का फार्म वार्म ना आए, ना गैस सिलेंडर आए, और राजस्थान की भी कोई सुविधा ना है। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने बालकन के पेट पाल रहे हैं। हम तो उसको ही वोट देंगे जो कोई हमारे लिए सुविधा करेगा अच्छे से। लॉकडाउन में आप लोग को मुफ्त राशन मिला? हाँ जी वो तो मिला है, वो मिला था। हाँ मदद अस्पताल लेकर गई बहू को, कार्ड तक का नहीं बना, जो कहते प्राइवेटों में करवा लो। अब जब प्राइवेटों में करवाएंगे तो सरकारी में क्या आग लगेगी? बिल्कुल, यहाँ पे भी और कुछ मिला है। और क्या लगता है आप लोग की क्या समस्याएं हैं? आप लोग यहाँ पे रह रहे हो काफ़ी सालों से, यहाँ काफ़ी कुछ बदलाव आया है, जैसे कि हमने बाहर देखा बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है। आप लोग का ये गाँव है, यहाँ भी काफ़ी पक्के मकान देख रहे हैं, पर जो रास्ते हैं वो ख़राब हैं। और क्या इसके अलावा क्या? राशन कार्ड भी नहीं बना, कोई मतलब सरकारी स्कूलों में भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, है और पानी की भी निकलने की दिक्कत है, रोड की भी है, जब बारिश पड़ जाए तो कोई निकलता नहीं है कमरे से। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की जाए कि यहाँ पे मुफ्त इलाज हो जाता है? नहीं हो रहा। बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे स्कूल कहाँ पढ़ने जाते हैं? में जा रहे हैं क्या करें, सब सरकारी सुविधा नहीं है। तो महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई तो बहुत है, महंगाई इतनी है कि इतना आदमी कमा नहीं पा रहा जितनी महंगाई है जी। तो बताओ कैसे पेट पलेंगे बच्चों के? 15,000 रुपये आदमी कमाएगा तो कहाँ घर का पूरा होगा, बच्चे पढ़ाएगा, घर का चलाएगा? जिसका आदमी नौकरी कर रहा है 15,000, चलो 20,000 कर रहा है, 4 बच्चे का कहाँ पढ़ाएगा, 2 बच्चे कहाँ पढ़ाएगा? यही समस्या है कि ज़्यादातर रोड बन जाए और पक्के नाली पक्के हो जाए, हम यही चाहते हैं सरकार से। एक और सवाल है जो महिलाओं को लेकर खास तौर से कहा जाता है, जनसंख्या नीति यानी 2 बच्चों की नीति। आपको क्या लगता है कि अगर 2 बच्चों की नीति आती है, सरकार करेगी, तो उससे कितना फायदा मिलेगा आप महिलाओं को? क्या वो 2 बच्चों की नीति अच्छी है? अच्छी है 2 बच्चों की नीति। योगी सरकार ये करना चाह रही है, अभी कानून नहीं बना है। इसके अलावा और क्या ऐसा लगता है कि आपकी सरकार से क्या मांग है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है 2022 में, यूपी का चुनाव आने वाला है, आप किस किस आधार पे अपना वोट देंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? विकास पे देंगे, सफाई पे देंगे, रोजगारी पे देंगे जी। इसके अलावा महंगाई को लेके आपको कुछ कहना है? महंगाई तो बहुत बढ़े हैं, महंगाई के लेके क्या कह सकते हैं, महंगाई तो नीचे ही नहीं हो रहे हैं। हमारे एक लड़का है, देखो विधवा है, हमें तो पेंशन कुछ मिलती नहीं। अम्मा आप ही बताइए आपकी क्या समस्या है? हम तो नहीं समझते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, एक पेंशन नहीं मिलते हैं सरकारी, ये राशन कार्ड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बहुत यहाँ मजबूरी है। अच्छा ये बताइए अम्मा, अभी सरकार अगर चुनना होगा तो आप किसको चाहेंगी, किसकी सरकार आए? हम वो नहीं जानते हैं जो किसकी सरकार। आप वोट देने जाती हैं, आप बताइए वोट जब देने जाती हैं आप किसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से वोट देती हैं? हाँ अपनी मर्जी से देते हैं, कोई दबाव नहीं करते हैं। नहीं है, मोदी के छोड़ के किसी के भी आ जाए, कुछ ना कर रहा। ये सुंदर तो कितना कोटा है, किसी को 5 किलो नुका, तुम्हारा राशन कट गए, 5 किलो भी नहीं है तुम्हारे हिस्से में। तो अब जब इलेक्शन आएंगे यही आधार कार्ड चालू होंगे तो वोट क्यों देंगे? ना दें हम तो वोट, एकजुट होंगे सब, वोट ना दें उसे देंगे वोट जो पहले विकास करेगा बाद में वोट देंगे। अभी वोटों के कई महीने, उससे पहले कुछ नहीं है यहाँ, ना कुछ भी ना, सरकारी स्कूल अस्पताल में चले जाओ सरकारी में बताओ नो, जच्चा बच्चा को 7,000 रुपये मिलेंगे, अठिन्नी भी ना मिलती, जन्म पत्री तक बना के देते ना, क्या देंगे बताओ तुम, क्या करेंगे? 13-14 साल से पढ़े यहाँ, रेत फाँक रहे ये हमारे बच्चे, हम पर प्राइवेटों को पैसा ना, सरकारी में कोई लेता भी ना इनके दाखिले, नुकलाओ इनके जन्म पत्री लाओ, इनके आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड वालों के धोरे जामे तो नुकलाओ 1,000 रुपये आधार कार्ड के जब बनेगा, अब ना 1,000 रुपये है ना पोतियों के दाखिले हो रहे तो क्या है यहाँ, कुछ ना यहाँ, बेकार है।
जैसा कि ये बोल रही हैं कि इनके जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म पत्री की बात कह रही हैं वहाँ वो नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से दाखिले में मुश्किल आ रही है, छोटी छोटी इनकी समस्याएं हैं। इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो सब यहाँ आना शुरू कर देते हैं, उसके पहले ना तो कोई वादे पूरे किए जाते हैं, हालात ख़राब होते हैं तब कोई नहीं पूछता। महंगाई को लेके आप सबका क्या कहना है, आप बताइए। महंगाई तो इतनी है कि शायद कभी पहले थी ही नहीं। अब तो यह है कि एक उम्मीद को मार के दूसरी उम्मीद पूरी करनी पड़ती है। रोजगार कहीं नहीं है, बताओ कहाँ है रोजगार। वैसे ना दूसरे सिलेंडर बांट दिए, नो बांट दिए, मोदी जी कहते हैं, हमें तो कुछ रमेला कर दी भी फ्री सिलेंडर बांटे। बिल्कुल, इन्होंने बोला वैसे योजनाएं सरकार चला रही है लेकिन योजनाएं जब ज़मीनी स्तर पे आती हैं तो उनका स्वरूप कुछ और होता है, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का असर उन पे साफ देखने को मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी योजनाएं बनाई जाएं उसको ज़मीनी हकीकत का जब अमली जामा पहनाया जाए तो ये ज़रूर ध्यान दिया जाए क्या उसका फ़ायदा उन लोगों तक पहुँच पा रहा है जिनके लिए ये योजनाएँ बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ कयामपुर गांव में हूँ और ये ग्रेटर नोएडा का, जैसा कि मैं इस गांव में मैंने जैसे ही प्रवेश किया काफ़ी विकसित दिख रहा है और हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारी आधी आबादी क्या चाहती है, यानी जो यहाँ पे महिलाएं रह रही हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, उनको लेकर और क्या मुद्दे हैं। पर इसके पहले हम महिलाओं के पास जाएं, अपनी आधी आबादी के पास जाएं। यहां पे कुछ पुरुष बैठे हुए हैं जो कह सकते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने में इनकी सबसे बड़ी भागीदारी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है महिला की स्थिति और किस तरह से ये योगदान दे रहे हैं। अगर करप्शन या क्राइम की बात की जाए तो जो अभी एक रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, जो प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश वो दूसरे नंबर पे है क्राइम को, महिलाओं को लेके खास तौर से। आपको क्या लगता है कि ऐसी कहाँ चूक रह गई, क्योंकि बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन फिर भी क्या चूक रह गई कि महिलाओं को लेके उस तरह से नहीं सुरक्षा हो पा रही जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए। आज आम जन बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे ना दुकानदार, उनको छोटे छोटे जो गुंडे बदमाश होते थे वो आए दिन धमकी दे के मंथली लेने का काम करते थे, उनसे हफ्ता उगाते थे। ये धीरे धीरे जो छोटी छोटी घटनाएं और बड़ी बड़े जो क्रिमिनल हैं जिनकी जमानत भी हो गई हैं वो जेलों से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके उत्तर प्रदेश में 150 से ज़्यादा दंगे सपा गवर्नमेंट में हुए हैं पिछले 2017 से लेकर अब तक। अब चुनाव आने वाला विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, एक भी दंगा अगर आप बता दो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर हुआ, चाहे आप जनमानस की बात करें या किसी की भी बात करें, महिला सुरक्षा को लेके जितने काम होने चाहिए कि आपको लगता है वो अभी कारगर हुए या उसमें और भी सुधार की ज़रूरत है? अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, जब से बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है महिला सुरक्षा को भरपूर सहयोग मिला है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब से सरकार आई है कहीं लव जिहाद जैसी घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है तो उसका उसने भुगतान अपने मकान से अपने ढवा के देना पड़ा है। लेकिन जो NCRB के आंकड़े कहते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर जो क्राइम रेट घटना चाहिए उस हिसाब से नहीं घटाया, उसमें आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में तो आंकड़े कुछ भी हों लेकिन जब से सरकार आई हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। हम तो अपने ज़िले की बात आपको बताएं, इस ज़िले में औकात नहीं किसी को महिला को छेड़ दे। पिछली सरकारों में रोड पर निकलना दुर्लभ था महिलाओं का, रात में 12 बजे बाजार में हॉस्पिटल में उचित नहीं समझती थी। आज रात को 12 बजे 1 बजे इस ज़िले में औकात नहीं किसी बदमाश की किसी महिला को छेड़ दे। अगर हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो महिला की आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी से मतलब उनके पहनावे से, आज़ादी से मतलब उनके शिक्षा से, आज़ादी से मतलब उनके रोज़गार से। आपकी ही पार्टी अगर BJP की बात करें तो महिला मंत्री ने कहा कि लड़कियों को इस तरीके की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए या उस तरीके की ड्रेस नहीं, उनको मोबाइल नहीं करना चाहिए, ये क्या लगता है ये कहीं ना कहीं सोच उनको रोकती है? नहीं, पहनावे पे तो हम तो ये कहते हैं कि जो अपनी संस्कृति कहती है वही पहनावा पहनना चाहिए। पहनावा गलत जो पहनते हैं वो अपनी तरफ नज़रों का ही होता है मामला, नज़र से जो जिस तरह से देखेगा उसको वैसा ही भाव दिखेगा। तो पहनावे पे तो मेरा कोई अपना विचार नहीं है, ना मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। जो जिस धर्म में रहता हो जो उसकी संस्कृति कहते हो वो उसको पहनावा पहनना चाहिए। जब सपा गवर्नमेंट में थी उस समय जब बलात्कार होते थे तो जब मुलायम सिंह यादव भरे मंच से सार्वजनिक रूप से जनसभा में कहते थे, बलात्कार के ऊपर बोलते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है,
इस तरीका की जिगन उनकी उनकी मानसिकता रही है, उन सरकार में इस तरीका की घटनाएं अंजाम पे रही हैं। इसी वजह से उस समय बलात्कार के केस अधिक ज़्यादा होते थे, जिनको कम होते हुए अब बहुत कम संख्या में हुई हैं, जिन पर लगातार कंट्रोल चल रहा है। सर, अगर ये बात कह रहे हैं बयानों का, क्या वो विवादास्पद होते रहते हैं? और ऐसे बयान कई बार कई लोगों ने दिया है, बीजेपी में भी कहा जाए, एक महिला मंत्री थी, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने बोला था कि ये ड्रेस ऐसी पहनी है, या फिर आप उत्तराखंड के सीएम ने भी ये बोला था कि ये रिप्ड जीन्स है। ये सब तो बयान अक्सर महिलाओं को लेकर ही क्यों दिए जाते हैं, क्यों नहीं पुरुषों को बोला जाता कि भाई आप ये पहनो, आप वो पहनो? आप पहनने पे क्यों नहीं आज़ादी है महिलाओं के लिए? क्यों एक संस्कार और संस्कृति के नाम पे महिलाओं को बांधा जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं? बिल्कुल, आप आज बिल्कुल नहीं बांधा जाता, लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज नहीं, हम बहन को और भाई को बिल्कुल समान मानते हैं, और आज है भी ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं, आप उसके परिणाम हमारे सामने बैठी हैं आप इसी रूप में। मैं सिर्फ ये कहूँगा आपसे कि एक पार्टी का मुखिया, अगर किसी पार्टी के हमारे नेता ने इस तरीके के बयानबाजी की भी हैं, तो उसको फिर सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी पड़ी है कॉन्फ्रेंस करने के बाद, क्योंकि एक पार्टी का जो नेता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, जो पार्टी का नेतृत्व करने वाला, वो इस तरीके की सोच रखता है। महिलाओं की सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है प्रदेश में, वर्तमान सरकार ने कहीं हद तक महिला सुरक्षा पे कार्य किया है, पूर्व की सरकारों से बेहतर काम किया है। आज महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी बाहर जो है बिना डर के निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन का जो एक कानून का एक भय होना चाहिए अपराधियों में, लुटेरों में, वो भय दिखता है। वर्तमान प्रदेश की सरकार ने काम सुरक्षा को लेकर के बेहतर किया है, लेकिन और बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जिन पर अभी बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाए हैं। जैसे हम लोग शिक्षा की बात करें तो भारत जो है गांवों में बसता है, और आज हम लोग ग्रेटर नोएडा के गांव में बैठे हैं। हम बात करें बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा या प्रदेश के अन्य जनपदों की, तो वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन स्कूलों में जो अध्यापक हैं, वहाँ किसान का बेटा पढ़ता है, वहाँ किसान की बच्ची पढ़ती है, वहाँ गरीब मजदूर की बच्ची पढ़ती है, लेकिन वहाँ ना तो जो है समय से अध्यापक उपस्थित हो रहे हैं, ना वहाँ अध्यापक जो है बेहतर तरीके से शिक्षा दे पा रहे हैं। तो जब तक महिलाओं को, बच्चियों को बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक महिलाओं का विकास असंभव है। जो शिक्षा के मुद्दे की मैंने जो बात कही, स्थिति की मैं बात करूं, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति की बात करूं, आज भी गाँव में महिलाओं को वो सुविधा नहीं मिल रही है। कई जगह ये शिकायतें आ रही हैं कि हमें इलाज, मतलब दवाएं बाहर की लिख दी जाती हैं, हमें इलाज मुफ्त नहीं मिलता। अभी भी हम स्वास्थ्य और शिक्षा के अगर मापदंडों को देखें तो बहुत ही निचले स्तर पे हैं। आपको इस पे क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में अभी पूरे देश महामारी काल से गुजरा है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई, कम से कम पूर्ववर्ती सरकारों में हम जाएँ, 2-5 साल से ज़्यादा समय लगता था कोई भी वैक्सीन बनने में, कुछ भी बनने में। महामारी के समय से पूरा देश जूझ रहा था, और आम जनमानस में ये अपने परिवारजनों की अगर कोरोना में डेथ हो गई तो उसके पास भी जाते से, अंतिम संस्कार करने से अब लोग सब डरते थे। ऐसे हालात हमने अभी देखे। ये देश की और प्रदेश की, योगी जी की और मोदी जी की सरकार रही है कि साल भर के अंदर वैक्सीन भी तैयार कराई, और अपने देशवासियों को फ्री में नहीं दी वैक्सीन, उन्होंने अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। आपने देखा कि पुरुषों ने अपनी बात रखी और बताया कि वो महिलाओं के लिए क्या क्या कर रहे हैं या उनकी पार्टी क्या कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो इन महिलाओं के लिए करना बाकी है। और हम यहाँ कयामपुर के गांव में हैं, जहाँ पे ये कुछ महिलाएं, आइए जानते हैं ये जो हमारी आधी आबादी है वो क्या चाहती है, उसकी क्या मर्जी है। अम्मा पहले आप बताइए, अम्मा आप बैठ जाइए। अम्मा आप बताइए, कितने सालों से इस गाँव में रह रही? ये बेटा, हमें तो बहुत साल, बहुत दिन हो गए। कैसा लगता है? कैस का हलग तो अब तो कुछ सभी कौम धंधो बंद है बेटा, अब तो कुछ भी नहीं, बालकन को कोई रोजगार ही नहीं है, कहाँ का नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, कई बड़े बूढ़े इनकी न हो कोई पिल्सन है, न कोई कुछ भी है। आप ये बताइए कि जो महिलाओं की बात की जा रही है, अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए, तो आपके भी घर बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहू हैं, क्या लगता है महिला अभी सुरक्षित लगती है? देखो, हमें तो यूँ है, ज़्यादा दिन तो 50 साल तो हम हो गया, इन्हें हमने तो या गाँव में कुछ आके देखा नहीं है,
ना मतलब लड़की को कुछ लिखाई को पढ़ाई को सेंटर को कुछ नहीं है। बड़ी बूढ़ी इनको पिल्सन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, जमीन चलेगी उसमें कोई दूसरे माँ बाप मिलो ही नहीं है। उज्ज्वला योजना में आप लोग को सिलेंडर और वो सब मिला है क्या? नहीं, मोदी ने सब जगह देखो पर इस या के ऊपर में तो कुछ आज तक आया ही नहीं है। गरीब हो चाहे कोई रईस हो वे आज तक कुछ आया ही नहीं है या के ऊपर में। तो क्या समस्या है आपको लगती है? समस्या देखो महिला के लिए यही समस्या, महिला घर बैठे ही रिस्क रह रही है, जो अपना कर रही घर पे रह रही है, कुछ नहीं है ऐसी सुविधा कि जो जिससे वो अपना रोजगार आगे कुछ करे, दो पैसे की कमाई करे जिससे अपने घर व्यवस्था चला सके। सबके लिए सरकारी सुविधा हो, सेंटर हो, पार्लर कुछ हो, सब गाँव में, पर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्कूल भी छोटा है, बड़ा स्कूल नहीं है, बाहर भेजते डर लगता है बेटियों को, क्योंकि यहाँ पे सुमसाम रोड है, अभी इतनी वो भरी नहीं है सेक्टर, तो इसलिए डर लगता है बेटे को भेजने में। एक डर है, माँ का डर है, वो जानती हैं कि मेरी बेटी कहीं बाहर जाएगी तो पता नहीं किन समस्याओं से उसको जूझना पड़े। ये महिलाएं जो हैं वो बेहतर तरीके से अपनी समस्या बता सकती हैं, भले ही पुरुष समाज या पुरुष वर्ग की बात करें तो वो ज़रूर कहेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुशहाली है, अच्छी बयार बह रही है, लेकिन जो सच है वो ये महिलाएँ जानती हैं, ये जानती हैं कि इनकी क्या ज़रूरतें। अम्मा ये बताइए, सब बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षा की बात कहें या फिर महंगाई को लेके बात करें या फिर शिक्षा को लेके बात करें, जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो महिलाओं को ही आती है। एक बात बताओ कि हम कभी अब से बहुत दिन पहले कभी 100 रुपया में हमारा झोड़ा भर जाए क्या सब्जी को, राशन को, अब हम जाते हैं तो दो चीज़ नहीं आती, चार चीज़ नहीं आती, एक छाकी सब्जी नहीं बनती है। हम भी दूध बेचने हैं, नार भी मोल को है, अनाज भी मोल को, राशन भी मोल को, चार चार पाँच पाँच बच्चे हैं तो बताओ क्या खेवा में, कौन से पढ़ाई लाएं इनकी, हमारे दिन रात आदमी लगे रहे, हम लगे रहे गोबर में, लेकिन बस तो कुछ नहीं है। 450-450 रुपया भूस हो रहा है, इतना ही पूरा हो रहा है, इतना ही हो रहा है दूध, वही 60-50 रुपया किलो बिकता हो तो बताओ चार चार बच्चे कौन सा, हम बी ए करवावें, कौन सा एम ए करवावें, कौन सा जॉब करवावें, उन्हें पैसा लगता है। लड़की की शादी में शादी भी करो तो 50-55 रुपया तोड़े सोना हो रहा, कौन सा हम गरीब लोग उसके नौ कौन भी नहीं ढक सकते, हम ढक सकते हैं बताओ तुम्हें, कभी हमारे बाप ने कितना कितना तोड़े सोना चढ़ा, अब हम क्या चढ़ाएंगे जब हमारे पास कुछ नहीं है, नौकरी बच्चे नहीं मिलती। महंगाई को लेके कह रही हैं आप, महंगाई बढ़ गई है बहुत सारी, सरकार कहती है हमने आपको इतनी फ्री वैक्सीन दी तो टैक्स पड़े ना, हमें वोट दी दो बेर जिताए क्या किया रहो हमारे लिए, तुम बताओ सिलेंडर बटे क्या बटे और राशन बटे, बीच में खा गए सब, बीच में खा गए देने लेने वाले, लेकिन गरीब आदमी पे कुछ नहीं आयो, दो बेर जिताए हमने मोदी हमारे लिए क्या करो। क्या लगता है आपकी बार आप किसको चुनना चाहिए, कौन चुना? हमको तो जो फायदा करेगा उसको चुनेंगे हम, हमारा ना मोदी मोमो का बेटा है ना मायावती है, बुरा लगो भलो लगो जिसको हमारा मन करेगा, जो हमारी रक्षा करेगा मदद करेगा हम उसको वोट देंगे, बुरा लगे चाहे भला लगे जो सुविधा देगा उसको हम वोट देंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आप, बताइए आपकी। अच्छा देखो खेती वाले पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, खाई में तो कर बारिश का, अब क्या बारिश पड़ गई खेती वाले मर गए, गवर्नमेंट ने कोई हाथ नहीं उठाया, अभी घोटे घोटे पानी खड़े खेती वालों तो यूँ ही गया ना। अच्छा अब उसमें से क्या रोटी खा लेंगे, पहले खेती नहीं हुई, अब की जो बोई ही फसल उस सगड़ी मारी गई, कुछ करो तो नहीं है गवर्नमेंट ने। ये बताइए महंगाई को लेके गैस सिलेंडर और ये सब है, बोल रहे हैं उज्ज्वला योजना हमने घर घर तक पहुंचा दी, क्या आपको मिला है सिलेंडर हो गया? अभी तक इसी गांव में कोई सवाल नहीं आने को, अभी तक मतलब कहाँ जो रोंड भीर बनी हुई हैं, कोई 100 साल की अच्छा कोई 50 साल की, किसी की आज तक तो पिल्सन नहीं बंधी, किसी आज तक कोई पैसा नहीं मिलो, सिलेंडर खूब बिके मोदी ने खूब दिए, आज तक खूब बाहर बाहर लगा रहो या गोम में तो आज तक कोई एक तोले ना जायो ना। आप इस बार जब वोट करने जाएंगी तो किन किन मुद्दों पर वोट करेंगी? हमने तो यू भी कह रखी है अगर हमारी कोई होगी शासक ठाएगो तो हमारे लिए कोई मदद ठाएगो तो वोट देंगे, और जाकर इन्हें मदद नहीं ठाई तो हम वोट नहीं देंगे। हाँ एक तरीके से कह रही है कि अगर हमारे लिए सुविधा देगी सरकार, जो भी आए जो भी हमारे जो भी काम हमारे लिए करेगा हम उसी को वोट देंगे और वही हमारी सरकार होगी और वही हमारा जो चुना हुआ व्यक्ति होगा। महिलाओं ने इस बार ठान लिए, यानी आधी आबादी की जो सोच है वो एकदम साफ दिखाई दे रही है कि वो सिर्फ लोक लुभावन वादों पे नहीं जाएगी, वो जाएगी ज़मीनी हकीकत पे, वो जाएगी उन सच्चाइयों पे जिस पर उसका वजूद खड़ा है, जिस पर वो आगे बढ़ सकती है, जिस पर उसका भविष्य टिका हुआ है। फिलहाल आधी आबादी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।